हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं बिरजू कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल MLTP स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हर रोज़ की तरह आज भी हम मैथ के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे और उससे कुछ जुड़े सवाल देखेंगे। आज का टॉपिक हमारा माध से संबंधित है, जिसमें हम समांतर माध, गुणोत्तर माध और हरात्मक माध निकालना सीखेंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं है किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है 4, 6, 10, 12, 15 का समांतर माध निकालें। ये तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, लेकिन सब देखना है। देखिए, 4, 6 लिख लेंगे, 4 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 15, ये कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 5 से भाग दे देंगे, बस हो गया। इसका योग कितना है? 6 चार 10, 10 20, 12 32, 15 47 बट्टा 5, इसका आंसर हो गया। दोस्तों, अगर इस तरह से रहे 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 और 17, और ऐसे ही मतलब आगे बढ़ते रहे, लेकिन देखिए इसका अंतर अगर बराबर रहे, जैसे में देखिए ये इसमें अंतर 2 है, इसमें अंतर 2 है और इसमें भी अंतर 2 है, सभी में अंतर लहु मतलब समांतर श्रेणी में रहे, मतलब उसका सर्वांतर 1 रहे, तो इसका पहला और लास्ट पद को जोड़ दीजिएगा। जैसे देखिए इसका आंसर होगा 3 प्लस 17 बाय 2, मतलब पहला और लास्ट पद को दो जोड़ के और आधा कर दीजिएगा, यही उसका आंसर हो जाएगा, 17 3 20 बट्टा 2 यानी 10। देखिए इसका भी ऐसे भी बनाएंगे तो देखिए 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 बट्टा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 है इसका, इसको जोड़ेंगे 5 3 8 7 15 9 24 11 35 35 13 48 5 63 63 और 17 80, इसका आता है दोस्तों 80 बट्टा 8। देखिए इसका आ गया 10। तो आप इस तरह से देख लीजिएगा, अगर आगे दिया हुआ श्रेणी आपका अगर समांतर श्रेणी में हो तो पहला और अंतिम पद जोड़ के आप बट्टा 2 कर दीजिएगा, आ जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। 3, 6, 9, 18 का गुणोत्तर माध निकाले। 3, 6, 9, 18 का गुणोत्तर माध निकाले। दोस्तों, इसका भी बहुत ही सिंपल तरीका है। देखिए कितना अंक है, पहले रूट में इसे कर लीजिए, रूट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 4 अंक है, यहाँ चतुर्थ वर्गमूल हो जाएगा, यहाँ 4 लिख दीजिए और रूट में सबको मल्टीप्लाई में लिख, 3, 6 गुने 9 गुने 18 बराबर, देखिए रूट इसको 3 हो जाएगा, ये इसको 6 को लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 2, और इन 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3, और इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3, 18 को 2 3 6 6 3 18। देखिए अब इसमें क्या चतुर्थ वर्गमूल का अर्थ होता है कि रूट में के अंदर अगर 4 है तो बाहर 1 निकलेगा, अगर रूट के अंदर 4 संख्या एक समान है तो बाहर 1 निकलेगा। अंदर में अगर 4 होगा तो बाहर 1 निकलेगा, देखिए 1, 2, 3, 4, ये 3 बाहर निकल जाएगा 3, और उसके बाद देखिए कोई नहीं है तो 1, 2, 3, 4, 4 ये निकल गया तो बच गया 3 3 9 2 18 2 36, तो इसके चतुर्थ वर्गमूल में 36, इसका हो गया यही आंसर। देखिए कुछ नहीं करना है, अगर यहाँ संख्या 3 रहता तो इसके रूट करके और यहाँ घनमूल कर लेते, यहाँ 3 3 दे देते, और यहाँ पर 3 संख्या है तो 3 6 9 लिख के बस इसी तरह, अगर 3 अंदर में 3 रहता तो 1 बाहर निकलता। और देखिए दोस्तों, अगर इस तरह से रहे गुणोत्तर गुणोत्तर श्रेणी में रहे और तब कहे कि गुणोत्तर माध निकालना, जैसे 2 2 4 2 8 2 16 2 32, ये गुणोत्तर श्रेणी में है, अगर इस तरह पहला और लास्ट वाले को गुना करके रूट के अंदर डाल दीजिएगा, पहला और लास्ट वाले को गुना करके रूट के कर अंदर दीजिएगा, जैसे डाल दीजिएगा, 32 दूनी 64, रूट अंडर 64, ये हो गया इसका उत्तर 8, अगर इस तरह से रहे तो।
देख लीजिएगा गुणोत्तर श्रेणी में रहे तो पहला लास्ट को गुना करके उसको रूट अंडर में डाल दीजिएगा और इस तरह से आ जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर इस तरह से रहे क्वेश्चन 0, 2, 4, 6 तो इसका कोई भी अगर जीरो रहे, कोई भी संख्या अगर कोई भी श्रेणी में अगर संख्या एक संख्या अगर जीरो रहे तो उसका माध गुणोत्तर माध जीरो हो जाएगा। देखिए वो कैसे, तो देखिए यहाँ मतलब चार है, ये चार संख्या है तो चार यहाँ दे दिए हैं और इसको लिखेंगे 0 × 2 × 4 × 6 तो ये जीरो हो जाएगा। जीरो जीरो का चतुर्थ वर्गमूल भी जीरो ही होगा, इसलिए इसका उत्तर जीरो हो जाएगा। इसलिए जब भी कोई श्रेणी में जीरो देखिए गुणोत्तर मान जीरो होगा, मार दीजिए जीरो, है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 2, 3, 4 का हरात्मक मान निकाले, 2, 3, 4 तो देखिए संख्या कितना है 3, तो पहले इसको उसके ऊपर में 3 लिख लीजिए। उसके बाद देखिए अब इसको बट्टा में लिख लीजिए, 1/2 + 1/3 + 1/4 हो गया। देखिए तो इसका हो जाएगा 3, इसका लघुत्तम हो जाएगा 12 + 6 + 4 + 3 तो हो जाएगा इसका 3/13/12 बराबर हो जाएगा 3 × 12/13 यानी 36/13 इसका उत्तर हो जाएगा 13। और इसमें भी देखिए अगर जीरो आपको दिया रहे 0, 2, 4, 6 अगर इसमें भी जीरो अगर दिया रहे तो उसका समांतर माध या हरात्मक माध भी शून्य होगा। देखिए वो कैसे, तो देखिए यहाँ इसका कुछ शॉर्ट फार्मूला भी होता है दोस्तों, देखते हैं इसको। देखिए हरात्मक माध अगर संख्या दो रहे, जैसे एक और दो रहे, एक दो रहे संख्या अगर एक दो रहे तो इसका हरात्मक माध इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, 1, 1, 2 और ये हो गया 1 + 2 इसका कितना हो गया 2×2 = 4/3 तो इसका उत्तर हो गया 4/3। अगर संख्या 3 रहे तो इस फॉर्मूला का यूज करके निकाल सकते हैं, अगर संख्या 4 रहे तो इस फॉर्मूला को यूज करके निकाल सकते हैं, क्योंकि इसी का मतलब शॉर्ट करके फॉर्मूला बनाया गया है। आप इस तरीका से भी निकाल सकते हैं, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो इस तरीका से भी निकाल सकते हैं, जितना अंक रहेगा ऊपर में अंक लिख दीजिएगा और उसके बाद फिर 1/2 + 1/3 + 1/4 करके मतलब जितना रहेगा उसको बट्टा में करके फिर उसका कैलकुलेशन कर दीजिएगा वही आ जाएगा। तो इसमें भी देखिए यहाँ इसका शॉर्ट निकाला हुआ है, जिसको फॉर्मूला याद रहता है अपना इस पर बैठाता है, इस पर तुरंत निकल जाता है। देखिए अगर इसमें देखिए इसमें चार संख्या दिया हुआ है, इस पर बैठाते हैं 4 × a, a का मान 0, b का मान 2, 4 और d का मान 6 तो यहाँ देखिए ये हो जाए क्या, यह जीरो से गुना हो गया तो ये ऊपर वाला जीरो हो गया, तो नीचे वाला जो भी रहे जीरो में भाग देंगे तो जीरो हो जाएगा। इसीलिए अगर कोई भी संख्या में श्रेणी में जीरो रहे तो उसको उसका गुणोत्तर माध और हरात्मक माध भी जीरो होगा, ये याद रखिएगा। इसी तरह से आप लोगों के लिए हर रोज़ कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाते रहेंगे दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा।